हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ेंगे क्लासेस। मेरा नाम अंकित है। आज हम क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं तीनों कैनाल के क्रॉस सेक्शंस आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको बना के दिखाऊंगा, ताकि आप एग्जाम्स में इजीली बना सकें। जिसमें आपका फुल्ली कटिंग, फुल्ली फिलिंग और पार्शियली कटिंग एंड पार्शियली फिलिंग तीनों टाइप के सेक्शंस होंगे। अभी मैं स्टार्टिंग में आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जिससे आप टेक्निकल टर्म से अवेयर हो जाएं, और कुछ चीज़ें जो मैंने और जगह देखा और मुझे लगा कि आपको क्लियर होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ जब आप क्वेश्चंस करेंगे इसके, तो उसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो वो कुछ पॉइंट्स भी हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो ये छोटा सा है, इसको आप इंट्रो देख लें, इसके बाद सेकेंड पार्ट इस वीडियो में आप तीनों ड्राइंग के क्रॉस सेक्शंस भी देखने को मिलेंगे आपको। अच्छा, मैं एल सेक्शन भी करा चुका हूँ, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो उस वीडियो को जाके देखें, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम ऐसी वीडियोस और आगे लाते रहें। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज़ हम क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल में बात करते हैं, तो कैनाल के क्रॉस सेक्शन तीन टाइप के होते हैं। यहाँ पर आप फुल्ली कटिंग वाला सेक्शन देख रहे हैं। फुल्ली कटिंग किसको कहते हैं? देखिए, कटिंग शब्द का मतलब होता है काटना, सिंपल। और मैंने एल सेक्शन में ये चीज़ काफ़ी डिटेल में बताई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी ब्रीफ में मैं भी आपको बता दे रहा हूँ, जब आपका जो ग्राउंड लेवल होता है, यानी कि नेचुरल सर्फेस लेवल, NSL और ग्राउंड लेवल एक ही होता है, जब आपका ग्राउंड लेवल ऊपर होता है और आपका जो फुल सप्लाई लेवल या फिर जो नहर का तल है वो नीचे होता है, तो उस केस में आपको ज़मीन को काट के नहर बनानी पड़ती है। अब नहर आप जानते हैं एक समलंबाकार आकृति होती है, तो जब वो कटिंग करके नीचे बनाते हैं तब उसको कहते हैं हम कटिंग। ठीक है, फिलिंग में तब होता है जब आपका ग्राउंड लेवल नीचे होता है और उस ग्राउंड लेवल के ऊपर ही आप पूरी नहर बना देते हैं, वो नहर होती है आपकी फिलिंग में। ठीक है, और सबसे जो इकोनॉमिकल होता है वो होता है जब आपकी नहर थोड़ी कटिंग में और थोड़ी फिलिंग में, क्योंकि नहर जनरली बनाई जाती है सिंचाई के लिए। ठीक है, और सिंचाई के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन कौन सी है? जब आपकी नहर कम से कम 10 से 30 सेंटीमीटर ग्राउंड से ऊपर हो, तभी आपकी नहर जो आपका सरफेस का या ज़मीन का जो नेचुरल ढाल है उसके साथ पानी बहेगा, क्योंकि नहर की सिंचाई नेचुरल ढाल के कारण होती है। ठीक है, तो जो तीसरा वाला केस होता है उसमें आपका जो NSL है, यानी कि नेचुरल सरफेस लेवल है, वो आपका नीचे होता है, नीचे होता है, और जो FSL है वो ऊपर होता है। ठीक है, पर इस केस में ख़ास चीज़ है कि जो नहर का बेड होगा वो बेड नीचे होगा, बेड NSL से नीचे होगा, FSL NSL से ऊपर होगा। ठीक है, बाकी डिटेल है, मैंने इसके बारे में पिछले लेक्चर में काफ़ी बात की है, L सेक्शन में आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, और मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ मैंने फुल्ली कटिंग का सेक्शन बनाया है, तो ये सिर्फ इसलिए कि डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैं उसके बारे में बात कर सकूँ, उसके कंपोनेंट्स के बारे में। जो सबसे पहली चीज़ है वो है बेड विड्थ। ठीक है, बेड विड्थ क्या होता है? जो आपके कैनाल की जो चौड़ाई होती है बेड की, कैनाल का जो तल होता है वो कहलाता है बेड विड्थ। ठीक है, बेड विड्थ आपको वैसे तो क्वेश्चन में दे रखी होगी, इसका फॉर्मूला भी होता है वैसे, बट उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर आपको डिज़ाइन नहीं करना है, सिर्फ ड्राइंग करनी है, तो आपको बेड विड्थ क्वेश्चन में दे रखी होगी। ठीक है, उसके बाद जो सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ है और जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताने ज़रूरी हैं, वो है डेप्थ ऑफ कैनाल और डेप्थ ऑफ वाटर। इन दो चीज़ में फ़र्क समझिएगा। अगर आपकी कैनाल फुल्ली कटिंग में है, ठीक है, तो कटिंग का मतलब है कि ग्राउंड सरफेस जो आपका है उससे कुछ नीचे है आपकी कैनाल, ये तो कन्फर्म है। और कैनाल नीचे से मतलब क्या होता है? जो कैनाल का टॉप सरफेस है, यानी कि जो फुल सप्लाई लेवल है वो नीचे है। ठीक, फुल सप्लाई लेवल नीचे, इसका मतलब क्या होगा कि जो वाटर की डेप्थ है, यानी कि अगर ये नहर यहाँ पे बनी है तो इसके वाटर की डेप्थ जो 1.5 मीटर है वो यहाँ पर होगी, और जो डेप्थ ऑफ कैनाल है वो इससे ऊपर होगी, यानी कि 1.7 मीटर। ठीक, तो ये चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि डेप्थ में भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेप्थ कौन सी दे रखी है, मतलब कैनाल की डेप्थ दे रखी है या वाटर की डेप्थ दे रखी है। ठीक है, तो अगर वाटर की डेप्थ दी है और कैनाल की डेप्थ हो भी सकता है कुछ और भी हो, ठीक है, क्योंकि जो ग्राउंड सरफेस है उसके बिल्कुल बराबर नहर नहीं बहती मोस्टली। ठीक, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है लड़कों को, वो है बर्म। हो सकता है आपने इस चीज़ पर ध्यान ना दिया हो, पर अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझिए। बर्म एक्चुअली क्या होता है? कैनाल में चौड़ी पट्टियाँ साइड में छोड़ी जाती हैं इस तरह से, ये ग्रीन लाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है, इस साइड है, ये चौड़ी पट्टियाँ छोड़ी जाती हैं। इससे क्या होता है? जो नहर की कैपेसिटी या डिस्चार्ज होता है, जब नहर इससे ऊपर बहती है तो उसका डिस्चार्ज थोड़ा सा उससे बढ़ जाता है इसकी वजह से। ठीक है, डिस्चार्ज बढ़ जाता है। दूसरा, साइड के बंधों का जो कटान है वो रुक जाता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं नहर में, निर्माण का या मेंटेनेंस का, तो इस बर्म के ऊपर कंस्ट्रक्शन मटेरियल रख के काम किया जा सकता है, रोड उससे ब्लॉक नहीं होती। इसके अलावा एक्स्ट्रा विड्थ आपकी कैनाल को मिल जाती है। तो ये सब बर्म के काम है। अब होता क्या है बर्म में, कि बर्म जो आप देखते हैं वो आप देखते हैं फुल्ली कटिंग के केस में, आपको सीधे बता दिया गया 1.5D। ठीक है, अगर ये पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग होगा तो इसको बता दिया गया है 2D। ठीक है, और अगर फुल्ली फिलिंग होगा तो ये बता दिया गया है 3D। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा,
इनमें थोड़ा सा एक चेंज है। असल में बर्म जो बनाया जाता है कैनाल का, वो पूरे टाइम सेम नहीं रहता है। कैनाल में क्या होता है, सिल्टिंग होती है। आप जानते हैं नदियाँ अपने साथ मिट्टी और बालू लेके चलती हैं, तो उसकी वजह से कैनाल में सिल्टिंग होती है। सिल्टिंग के कारण यहाँ पर आप ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं ब्लैक कलर की, दोनों तरफ मैंने बनाई है, और एक रेड लाइन आप बाहर देख रहे हैं। जो रेड लाइन है वो एक्चुअल क्रॉस सेक्शन है कैनाल का, जब कैनाल का कंस्ट्रक्शन किया गया था। और जो आप अंदर ब्लैक लाइन देख रहे हैं वो सिल्टिंग के कारण है। अब यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि बर्म दो तरीके के होते हैं, एक आपका ओरिजिनल या इनिशियल बर्म होता है और एक फाइनल बर्म होता है। इनिशियल बर्म वो होता है जो आपकी कैनाल के सेक्शन खोदने के टाइम पर था, ठीक है, जब कैनाल खोदी गई उस टाइम वो बर्म था, और कुछ टाइम बाद क्योंकि नहर में पानी बह रहा है, सिल्टिंग के कारण वो स्लोप भी कुछ घटता चला जाता है और बर्म की जगह भी चेंज होती जाती है और वो सिल्ट वहाँ इकट्ठा होती जाती है। अब देखते होंगे कैनालों में सिल्टिंग होने लगती है, बेस में भी सिल्ट भर जाती है जिससे कैनाल का डिस्चार्ज कैपेसिटी कम हो जाती है, और कुछ टाइम बाद पानी रोक के सिल्टिंग को हटा के फिर दोबारा से कैनाल को खोला जाता है। तो वो जो सिल्टिंग की वजह से साइड में कैनाल के लग जाता है, उससे बर्म का जो आपका स्लोप है वो धीरे धीरे घटता जाता है। इस बात को समझाना ज़रूरी था कि बर्म सिर्फ एक नहीं होता है, और इसीलिए बर्म की जो लेंथ है ये जो 2D 3D 1.5D ये भी वेरी करती है। अब आपको वेरी क्यों नहीं कराना है, आपके यहाँ एक जनरल टर्म है जिसको कि हम जनरली कहते हैं कि जो कैनाल का जो बेड है, मतलब सॉरी कैनाल का जो सेक्शन है, सेक्शन का जो टॉप है, मतलब ये पॉइंट जो है जहाँ पर मेरा पॉइंट है इस समय, इस पॉइंट के बीच में और जो भी आपका एम्बैंकमेंट है, चाहे बैंक इधर का हो चाहे उधर का हो, उन बंधों के बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी, क्षैतिज दूरी, ठीक है, उसको आप कहते हैं 1.5D या फिर बर्म, ठीक, ये फुल्ली कटिंग के केस में है, अगर दूसरा होगा तो चेंज हो जाएगा। इसके बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी को हम कहते हैं बर्म, ठीक है। अब इस बर्म के साथ एक चीज़ और जुड़ती है कि अगर आपको सिल्टिंग भी बताई गई है और सिल्टिंग के साथ बात कर रहा है, तो उस केस में आपका बर्म यहाँ से नहीं काउंट होगा, उस केस में आपका ये 1.5D अंदर सिल्टिंग वाले पॉइंट से काउंट होगा इसके एंड तक, ठीक है। मतलब तब आप 1.5D की शुरुआत यहाँ से करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर से, और जहाँ तक भी जाएगा वहाँ ख़त्म कर देंगे। और अगर सिल्टिंग की कोई बात नहीं की है तो उस केस में आप बर्म बाहर से लीजिए, जो क्रॉस सेक्शन है कैनाल का उसके टॉप पॉइंट से बैंक के बॉटम पॉइंट के बीच में, बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी, ठीक है। तो ये समझ लीजिएगा दो टाइप के बर्म मैं क्यों बता रहा हूँ और ये सिल्टिंग का क्या रोल है। सिल्टिंग हर कैनाल में होती है, नदी नहर सब में सिल्टिंग होती है, आप उसको नहीं रोक सकते। और सिल्टिंग का एक बहुत ज़रूरी फ़ायदा भी है जिसकी वजह से सिल्टिंग को अलाउ भी किया जाता है, वो है क्योंकि सिल्ट अपारगम में होती है, ठीक है। आपने सॉइल मैकेनिक से पढ़ा होगा सिल्ट से पानी जल्दी पास नहीं होता, ठीक। तो सिल्ट की लेयर बन जाने के कारण यहाँ से जो रिसन होता है पानी का दोनों तरफ वो भी काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए सिल्टिंग होती भी अच्छी है। अब देखिए रेशियो कैसे चेंज हो रहा है सिल्टिंग से, पहले था 1:1, ठीक है, और बाद में हो गया 0.5:1। तो ये सिल्ट की वजह से जो आपका कैनाल का जो सेक्शन था वो चेंज हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो अगले केस में हम बर्म यहाँ से नापेंगे। अब एक चीज़ और क्लियर करनी है मुझे, जो कि और प्रॉब्लम है, वो है इसकी जो रेशियो दे रखे हैं वो, ठीक है, वो एक्चुअली एक कन्फ्यूजन है जो बुक में आपके दिया हुआ है और मुझे उसको क्लियर करना इसलिए ज़रूरी है कि इस पर अभी तक किसी ने बात भी नहीं की और ड्राइंग करते टाइम इससे बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। एक्चुअली जितने भी रेशियोज़ आपको दे रखे हैं, जैसे 0.5:1, 1:1, 1.5:1, या ईजी लैंग्वेज में कहें तो स्लोप जो आपको दे रखे हैं, ठीक है, स्लोप का जो बेसिक रूल होता है वो होता है राइज अपॉन रन, ठीक है। राइज का मतलब होता है ऊंचाई ऊपर की तरफ तो वर्टिकल, और रन का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल तो आगे की तरफ। तो जो भी रेशियो होता है उसमें हमेशा पहले वर्टिकल डायमेंशन लिखी जाती है और उसके बाद मतलब इस टू के साइन के बाद, अनुपात के साइन के बाद जो नंबर होता है वो हॉरिजॉन्टल को डिनोट करता है, ठीक है। पर हो कह रहा है आपकी बुक के अंदर पहले हॉरिजॉन्टल दिया है फिर वर्टिकल दिया है, तो इससे क्या होगा आप खुद भी समझ सकते हैं। अगर मैं 1:5 पे पहले वर्टिकल लिखूं और बाद में अगर मैं एक ही केस को दो तरीके से लिखूं, जैसे 1.5:1 और एक बार वर्टिकल इसे मानूं एक बार वर्टिकल इसे मानूं, तो आपका जो इंक्लाइनेशन है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। पहले एक और डेढ़ का इंक्लाइनेशन ये रहेगा, और अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो डेढ़ ऊपर और एक ये, तो इंक्लाइनेशन कुछ खड़ा हो जाएगा, मतलब स्टीप हो जाएगा ज़्यादा, तो ये डिफरेंस है। तो एक्चुअल जो है वो ये है, पहले वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल, रेशियो का बेसिक रूल ही यही होता है कि ऊपर पहले वर्टिकल डायमेंशन होती है फिर उसके रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होती है, ठीक है। पर आपकी बुक में इस तरह से दे रखा है तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ, मैं आप भी सब इजीली समझ जाओगे। दूसरा एक चीज़ और है, अगर आप कभी भी रेशियो में कन्फ्यूज़ हो तो आप देखना वन कहाँ लिखा है, ठीक है। जैसे आप यहाँ भी डायमेंशन देखोगे तो 1:0.5 है, ठीक है, या 1.5:1 है। जो ये वन होता है ये मोस्टली वर्टिकल को ही डिनोट करता है, ठीक है। एक वर्टिकल के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल कितना जा रहा है इसी अनुपात में जनरली हम बात करते हैं। तो ये एक और चीज़ थी जो मुझे इसमें क्लियर करनी थी, ठीक है। चलिए अब इसके आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो आपके और कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं कैनाल के, जैसे
स्पॉइल बैंक। स्पॉइल बैंक क्या होता है एक्चुअल में, देखिए जो आपके दोनों तरफ जो बैंक बनते हैं, बैंक मतलब बांध है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, दोनों बांधों का रोल यही होता है कि जो आपका कैनाल है जब अपनी फुल सप्लाई लेवल पे बहेगा, जिस टाइम पानी पूरा होगा, और बाई चांस उसके बाद भी अगर कभी बाढ़ आती है और पानी बाहर आ जाता है, तो बैंक उसको रोक के रखते हैं और आसपास के ग्राउंड्स में फैलने नहीं देते। ये बैंक्स का काम होता है। अब स्पॉइल बैंक क्या होता है, स्पॉइल बैंक एक्चुअल में बैंक क्या होता है, बस ये जैसे हमने कैनाल का सेक्शन काटा, वहाँ से मिट्टी खोदी और उसके बाद वो मिट्टी बच गई और कहीं पड़ नहीं पाई, खाली जगह बच गई, तो वो मिट्टी को हम लोग कैनाल के साइड में, मतलब कैनाल के दोनों बैंक से अलग, उसी से हम लोग एक बांध जैसा ट्रेपेजॉइडल शेप का इस तरीके का समलंबाकार बना के छोड़ देते हैं, क्योंकि मिट्टी रुकेगी उसी एंगल पे, तो वो उस पर डाल के हम लोग छोड़ देते हैं स्पॉइल बैंक, और फ्यूचर में कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से मिट्टी का हम आगे यूज़ कर लेते हैं। ये तो है मेन काम स्पॉइल बैंक का। इसी तरीके से बोरो पिट होते हैं। बोरो पिट क्या होता है, जो भी हम लोग होल जो विड्थ ऑफ टोटल कैनाल के एरिया हमने लिया है, उसी में से थोड़ा आगे से हम लोग अगर मिट्टी हमें फिलिंग करनी है तो काट के कैनाल में भर लेते हैं, तो ये होगा स्पॉइल बैंक। ठीक, बाकी स्पॉइल बैंक यहाँ पर आपके बैंक की तरह भी काम करेगा, अदरवाइज़ आपको दोनों तरफ इंस्पेक्शन रोड, या हो सकता है एक तरफ इंस्पेक्शन रोड मिले एक तरफ डबल मिले, तो वो डिपेंड करता है किस टाइप की कैनाल है, कितनी बड़ी कैनाल है। ठीक है, अगर मेजर कैनाल है तो आपको दोनों तरफ इंस्पेक्शन रोड मिलेंगी, माइनर कैनाल है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, तो आपको एक तरफ इंस्पेक्शन रोड मिलेगी, एक तरफ स्पॉइल बैंक, एक तरफ डबल मिलेगा, तो दोनों का अलग अलग रोल है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड क्या होता है, 6 मीटर तक मैक्सिमम हम स्पॉइल बैंक बनाते हैं, जो हाइट होती है वो मैक्सिमम 6 मीटर तक लेके जाते हैं हम लोग। ठीक है, इसके नीचे भी डिपेंड करता है क्वेश्चंस में आपको कैसे दे रखा है, वैसे ही आप उसको बनाएंगे। अगली चीज़, स्पॉइल बैंक की जो हाइट होती है आपको उतनी ही हाइट का डॉवल बना देना है। ठीक है, इक्वल लेंथ का कर देना है। इसके बाद डॉवल इधर है, मतलब ये पूरा बैंक है, एम्बैंकमेंट है, इसमें डॉवल क्या है, डॉवल एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका जो इंस्पेक्शन रोड होती है, इंस्पेक्शन रोड और कैनाल के बीच में एक थोड़ा सा इस टाइप का उठा हुआ सरफेस बनाया जाता है। ठीक, इसको कहते हैं डबल। ये करता क्या है कि इंस्पेक्शन रोड से कुछ कैनाल में गिर ना जाए, कोई व्हीकल चल रहा हो कैनाल में ना गिर जाए, उस टाइप के हादसों को रोकने के लिए डबल थोड़ा सा ऊंचा बनाया जाता है, एक टाइप का रोक होती है। ठीक, जो डबल की स्टैंडर्ड होती है वो होती है 0.5 मीटर से 0.6 मीटर इसकी विड्थ होती है, ऊपर की जो ये टॉप विड्थ है इसकी, और जो इसकी डेप्थ होती है वो 0.5 मीटर होती है। ठीक है, डेप्थ से मतलब सिर्फ इसके टॉप से लेके इंस्पेक्शन रोड तक। ठीक है, बाकी उसके नीचे का आप टोटल डेप्थ से माइनस कर दोगे, बचा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंस्पेक्शन रोड सिर्फ निरीक्षण कार्यों के लिए प्रयोग होती है। इंस्पेक्शन रोड फुल्ली मेटल्ड और अच्छी रोड नहीं बनाते, क्योंकि ये हल्के व्हीकल्स के लिए होती है और इस पर सिर्फ छोटे व्हीकल्स ही अलाउ किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इस इंस्पेक्शन रोड की जो विड्थ है वो 3 मीटर से लेकर 7.5 मीटर तक वेरी करती है। ये आप भी क्वेश्चन में दे रखा होगा, नहीं दिया हो तो आप 3-3.5 मीटर की रोड बना देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक ड्रेन है। ड्रेन क्या होता है, जब आपके यहाँ बारिश होती है तो इंस्पेक्शन रोड का जो स्लोप होता है वो बाहर की तरफ होता है, डबल की तरफ नहीं होता। अगर आप इधर की तरफ स्लोप दे दोगे तो डबल को काटने लगेगा, तो स्लोप इसके अपोजिट साइड देते हैं। ठीक है, तो जो एक ड्रेन होती है नाली, वो नाली बनाई जाती है इसलिए ताकि जो रोड से पानी आए वो तुरंत बाहर निकल जाए। तो जो ड्रेन का स्टैंडर्ड डायमेंशन है वो 0.45 मीटर की डेप्थ पे हम लगाते हैं और 0.6 मीटर की उसकी जो नीचे का बेड है उसकी विड्थ रखते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए ड्रेन, इंस्पेक्शन रोड, बर्म, स्पॉइल बैंक। अब बात आती है स्केल की, आप कौन सा स्केल कैनाल में प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए कैनाल का जो स्केल रेंज होती है वो 1:50 से लेके 1:100 तक, ठीक है, इस रेंज के बीच में वेरी करती है। ठीक, अब इस स्केल का यूज़ किस तरीके से आप लगा रहोगे, देखो अगर जैसे ये 1.5 मीटर, ये सबसे अच्छा तरीका है चेक करने का, अगर आपका स्पॉइल बैंक और डेप्थ ऑफ कैनाल, ठीक है, डेप्थ ऑफ कैनाल या डेप्थ ऑफ वाटर अगर 1.5 मीटर 2 मीटर तक दे रखी है तो आप 1:50 पर ईजिली बना लेंगे, पर अगर ये 3 मीटर 4 मीटर तक जाने लगा तो आपको दिक्कत होगी, तब आप स्केल 1:75 1:100 तक लेके जाइए, तब आपका फिट होगा। ठीक है, तो ये थंब रूल है आपका स्केल लगाने का। ठीक, स्केल किस तरीके से हम लोग प्रयोग करते हैं कैनाल में। ठीक है, तो आई थिंक आपको वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और जो इसका सेकंड पार्ट है जिसमें मैं कैनाल के तीनों क्रॉस सेक्शंस आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, उसको ज़रूर देखिएगा। सो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट जैसे सर्वे सेकंड सचिन सर पढ़ा रहे हैं, हिमांशु सर रेलवे ब्रिज एंड टनल पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। थैंक यू।